तो रिश्तों का डोर अगर पकड़ के रखना है तो इस तरह से इस क्रिसमस पर केक बनाए। रेड वेलवेट केक भी इनके सामने, जितना भी रेड वेलवेट केक है सारे केक फेल हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए कितना स्पॉन्जी बने हैं, तो फिर देर किस बात का, बना डालिए इस तरह का केक। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मीना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे यूनिक केक जो काफी देखने में खूबसूरत, खाने में स्वाद भरा हुआ। तो यहाँ पे हम ले लिए बॉल, बॉल में हम लेंगे पिघला हुआ बटर 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे हम लेंगे दूध आधा कप, और गुनगुना दूध है, गुनगुना दूध लीजिएगा आप। और यहाँ पे लेंगे हम शुगर आधा कप। तो यहाँ पे शुगर के साथ हम सबको लेकर के अच्छे से मिलाएंगे, देखिए, ताकि चीनी घुल जाए। आप चाहे तो पिसा हुआ चीनी भी ले सकते हैं, हम डायरेक्ट चीनी लिए ताकि अच्छे से बटर में मिल जाए। तो यहाँ पे अब हम लेने वाले हैं 1 कप सूजी। ये सूजी बारीक वाले हैं, आपके पास अगर मोटे वाले हैं तो ग्राइंड में आप चला लीजिएगा, और इनको भी एक बार फेंट ले अच्छे से और मिला ले। यहाँ पे लेंगे हम 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर, आप इस जगह पे इनो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम आधा कप मिल्क पाउडर, और सबको मिलाएंगे, बिल्कुल मिठाई का स्वाद आएगा। अब इसमें हम लेंगे 2 बूंद वेनिला एसेंस, और 2 ड्रॉप लेंगे हम यहाँ पे कलर, रेड कलर 1 ड्रॉप, और हम सबको मिला लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से यहाँ पर सभी को मिलाएंगे तो बिल्कुल हमारा फीलिंग आएगा रेड कलर। जैसे रेड कलर डालने से क्या हो गया कि रेड वेलवेट केक बनते हैं ना, बिल्कुल उसकी उसी तरह से बनेंगे। यहाँ पे ढक देते हैं, यहाँ पे गैस ऑन करके हम ले लिए नॉर्मल कढ़ाई, आप कोई भी कढ़ाई, कोई भी कुकर ले सकते हैं। इस तरह से अगर स्टैंड है तो इस तरह से ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी प्लेट चाहे कटोरी आप इस तरह से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये वाला लेंगे और यहाँ पे हम ढक देंगे, यहाँ पे केक टिन लेंगे हम, और यहाँ पे हम बटर लगाएंगे सभी जगह पर, और यहाँ पे हम सेफ्टी के लिए बटर पेपर ले लिए हैं। तो यहाँ पर बस इस तरह से इन्हें, इनको भी थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे। तो फिर से हम आ गए बैटर के पास, तो हम एक बार चला के देखते हैं, तो काफी थोड़ा ठीक लग रहा है यहाँ पर। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लेंगे फिर से थोड़ा सा गुनगुना दूध जरूरत के अनुसार, तो ये मलाई वाला दूध है, मलाई भी साथ में ले लेंगे इनमें, और फिर से हम एक बार मिला लेंगे। यहाँ पे हम स्पेचुला दूसरा चेन ले लिए हैं, चेंज कर लिए हैं। तो बस देखिए इसी तरह से बैटर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत परफेक्ट हमारा बैटर तैयार है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 टेबल स्पून पिस्ता, आप चाहे तो काजू बादाम सब कुछ ले सकते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं और सबको हम पहले मिला लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून हम लिए हैं पिस्ता, और अभी हम क्या करेंगे कि केक टिन में हम थोड़ा 1 टेबल स्पून के करीब पिस्ता को नीचे में रख देंगे। अब क्या करेंगे हम कि जो बैटर हम तैयार किए हैं हम ले लेते हैं केक टिन में, तो यहाँ पे हल्का सा हम इसे टैप कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारा कढ़ाई जो है हीट है, और अब हम ले लेते हैं सीधे कढ़ाई पर, इस तरह से बैठा दे हाथ बचा करके, और यहाँ पे ढक दे। ढकने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक पेपर से इसे सील कर दें, और करीब करीब 20 मिनट के लिए इन्हें मीडियम फ्लेम पे पकने दें, और हम यहाँ पर केक को चेक कर लेते हैं। तो टोटल समय फ्रेंड्स इनमें लगा है करीब 35 मिनट, तो ध्यान रहे हम 20 मिनट बोले थे, यहाँ पर 35 मिनट लगाए हैं, क्योंकि केक किसी भी तरह से बनाएंगे तो एकदम आपको 35 मिनट लग ही जाएंगे। तो यहाँ पे एकदम क्लीन है, केक हमारा बन गए हैं। तो गैस ऑफ कर देते हैं और ढक के ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। तो केक हम देख लेते हैं बहुत ही अच्छे से ये ठंडा हो गए हैं। यहाँ पे एक प्लेट लेंगे और प्लेट को हम इस तरह से लगा लेंगे, और केक को हम यहाँ पे अच्छे से पलट लेंगे। वाओ, अब हम ये जो बटर पेपर लगाए थे ना इनको हम साइड से हटा लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम बटर पेपर को बहुत ही आसानी से निकाल लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वाओ, कोई कह ही नहीं सकता है कि ये रेड वेलवेट केक नहीं है, सूजी के केक बनकर तैयार है फ्रेंड्स। एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी, देखिए ना मैदा ना तेल ना घी, बिल्कुल आसान तरीके से ये केक बनते हैं, एकदम सिंपल तरीके से, और बहुत ही सॉफ्ट है देखिए यहाँ पर। और बच्चे के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरी क्रिसमस लगा देंगे, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और साथ में
इनको भी लगा देते हैं। तो देखिए वाह क्या बात है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना बढ़िया स्पॉन्जी और जाली बन है और पिस्ते से भरपूर केक बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं फ्रेंड्स घर में, एकदम मजे की बात है। तो चलिए कैसी लगी हमारी वीडियो आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें और व्हाट्सएप पर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।